वंदे मातरम इडली डोसा गिर गए हम तो फिर से गिर गए बेड पे इसने कुछ पाप कर रखे हैं उन पापों की जैसे जैसे ये डुबकी लगाई इसको डुबो ही रहूंगा क्या है नोक नोक ध्यान है बैक टू माई चैनल मैं हूँ सुनीता नाम मेरे ब्लॉग में सभी का वेलकम है तो मुझे उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ तो मैं बता दूँ आपको आप लोग ने थंबनेल से गेस कर ही लिया होगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं हम लोग आज फिर निकल रहे हैं टूर के लिए तो फर्स्ट हम लोग जाएंगे हरिद्वार देन हम लोग जाएंगे ऋषिकेश तो सुबह मैं उठ गई थी 4:30 बजे करीब क्योंकि मुझे यूवी की जो है कम से कम 5 से 6 डाइट रेडी करनी थी ताकि पूरे दिन में उनको कोई परेशानी ना हो खाने के लिए और सबके लिए पराठे वगैरह बनाए तो मतलब इन सभी चीज़ों में मुझे बहुत टाइम लग गया कम से कम 2 घंटे मैंने जो है किचन में स्पेंड करे तो मतलब वो चीज़ मैं कैप्चर नहीं कर पाई और हम लोग बस जल्दी से देखो मैंने भी ऐसे ही नॉर्मल कपड़े ये पहन लिए हैं और जल्दी से नहा लिया और यूँ भी गुस्सा भी हो रही है कि हम लेट हो गए हैं कब पहुँचेंगे कब क्या करेंगे तो इस करके बस हम लोग फटाफट से देखो सामने जो है सामान जो है रखा जा रहा है बस रखते के साथ ही हम लोग यहाँ से तुरंत निकल जाएंगे और आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं और आने वाले जो भी व्लॉग्स हैं वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं तो मुझे आपसे उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा स्किप मत करिएगा बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हाँ मैं तो इतनी जल्दी में हो रही हूँ ना मतलब आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं मैं अपनी आईडी हमेशा अपने क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन करती हूँ तो वहाँ जाइए और मुझे वहाँ पे फॉलो कीजिए थैंक यू तो अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ ध्यान हेयरबैंड पहनेगा चलो मैंने दे दिया टॉपिक खाओगे तो सब लोग बैठ गए हैं पीछे कौन से रास्ते से जा रहे फिर होते हुए मेन हाईवे कौन सा नाम तो नहीं पता पर आए भी पता उसे टारगोल वाला बोलते हैं सोनीपत से होते हुए सीधा यू कैन डू अ गुड कोट अच्छा ये अभी आगे मुंह बोलो बोले यहां पे जो गाना वो रुक नहीं रहा तो हां रामेल को भी मेरा आइडल में भेजो ले जाओ तो बॉम्बे और भी लड्डू जो है हाईवे में एंटर कर रहे हैं ये कुंडली मानेसर एक्सप्रेस से अभी हाईवे पे चढ़ जाए चढ़ते ही अलग लगा लो फिर सीधा फैक्ट्री दे फैक्ट्री है सोनीपत निकलेंगे 10 मिनट में सोनीपत है 10 मिनट में सोनीपत से दूसरा हाईवे पकड़ेंगे ठीक है 15 मिनट में उधर से मैं कैसा लग रहा है मैंने तो बहुत कम लग गया है हरिद्वार कम लगेगा क्यों ना भाई क्योंकि मेरा हरिद्वार का शौक था पर मुझे एनर्जी नहीं नजर आ रही एनर्जी और बच्चों की उस दिन भी मैं हरिद्वार नहाने की सोच रही थी उस दिन नहीं नहा पाई पर गंगा जी में तो फर्स्ट टाइम मैंने जो राफ्टिंग करी मुझे बहुत अच्छा लगा और अभी मैं चाहती हूँ कि मैं हरिद्वार में अच्छी डुबकी लगाऊं अपने सासू के नाम की अपनी जिठानी के नाम की अपनी पूरी फैमिली के नाम की डुबकी लगा के और अच्छे से नहा के आऊं अपने बेटे ने भी नहाऊं अपनी बेटी ने भी नहाऊं और मैंने जब मुझे जो जहाँ तक पता है इसने कुछ पाप कर रखे हैं उन पापों की जैसे जैसे ये डुबकी लगाई इसको डुबो ही रहूंगा द्वार जाएंगे हम जाने से नहीं रुकेंगे ये तो करना चाहिए था ना भारत माता की जय वंदे मातरम इडली डोसा चटनी समोसा समोसा अब हरिद्वार हरी का नाम जपो अरे हरी का नाम नहीं हरी का द्वार राइस उगाते हमारे यहाँ चावल उगाते हैं इनके भी राइस हमारे भी चावल हाँ तो
कितना हम लोग ले रहे हैं यार रस्ते से आम, बता देना रुको, आम कर रहा है सो आम खाते खाते जाएंगे हम लोग। ये पुत्र उठा दिया लेने चंदर दे। हम लोग अभी रास्ते में ही हैं और ध्यान देखो सो रहा है यार, स्माइल भी कर रहा है हाय। तो अभी हम रास्ते से हमने अभी आम ले रहे हैं ताकि रास्ते में खाते खाते जाएंगे। और हम लोगों ने जो होटल हमारा था ना वो हम लोगों ने कल शाम को ही बुक कर लिया था अपना पहले से एडवांस में, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम गए थे तो हम लोग बहुत परेशान हुए थे होटल के लिए, उस वक्त बुकिंग भी सब फुल थी मतलब, तो इसलिए हमने पहले ही कर ली। हाँ जी छुट्टी थी तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से जाएंगे हरिद्वार, हरिद्वार में दर्शन करके नहा करके फिर सीधा ऋषिकेश निकलेंगे अपने होटल में। तो अगर हम टाइम से पहुंच गए तो हम लोग राफ्टिंग के लिए शाम को ही निकल जाएंगे, और अगर थोड़ा लेट होगा थके हुए तो फिर देखेंगे कल मॉर्निंग में जाएंगे। तो अभी फिलहाल यही है अपडेट, फिर मिलते हैं थर्सडे में। लोग उस वाले रोड पे जहाँ पे साथ साथ जो है नहर चलती है, और अभी देखो यहाँ का वेदर यहीं से ही जो है बदल गया है। अचार कहाँ है? आगे बारिश दिख रही है, तो फिर बारिश यहाँ से हो ही गई है शुरू। बूंदे देखो और मौसम इतना खूबसूरत हो रहा है, हवा चल रही है, बाहर ठंडा ठंडा हवा, बाहर तो ही गर्म हो गई है, जो भी है अंदर एसी पे तो फील नहीं हो रहा है ना। अपने काम में लग गया है और गणेश बन के बैठा है। लॉलीपॉप ध्यान मजा आ रहा है। हां बोल बेटा तेरे को धोनी चाहिए। तो रेन जो है शुरू हो गई है और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत मौसम हो रखा है। ये खुश हो गए बाहर आकर के। ध्यान चलो चलो चलो, ध्यान कर रहा है, उछाल दो, मम्मी को परेशान कर रहा है, कहता कि मैं एली के पास क्यों लेटे हो, उसे भगा रहा है। देखो एली और ध्यान की चल रही है। ध्यान कर दे। बहुत देर से जो है केले ढूंढ रहे थे और मिल गए। तो ये पीछे जो अमरूद लिए थे उनमें तो निकले कीड़े, तो दोबारा लेने पड़े। इस बार अच्छे लिए, थोड़े से क्वालिटी के भाई, थोड़ा सा ना टाइट वाले दे दे। येलो में क्या है ना कि चांस है उसमें फिर कीड़ा होने की ना। आड़ू दिया ही नहीं भैया, एक आड़ू भी दे देना अंकल। हाँ एक आड़ू दे दे भाई ऐसे ही। अंकल को बुलाओ ना, दो एक और मैं भी खाऊंगा। नहीं 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 भैया, ये खराब है। ये भैया लीजिए, भैया को बोलो जल्दी अंकल। लोग आ गए हैं ऋषिकेश और हम लोग हरिद्वार होते हुए नहीं आए, क्योंकि हमने सोचा कि कल आएंगे हम लोग फुर्सत से, जिस टाइम हम घर जा रहे होंगे तो आराम से यहाँ पे 2-3 घंटे जो भी टाइम लगेगा अच्छे से अपना स्पेंड करके, अपना ऊपर एक मंदिर भी है ऊपर जा करके वहाँ पर भी होंगे। तो हम लोग अभी सीधे जा रहे हैं अपने होटल में, क्योंकि हमने अभी कॉल करके पता करा था लास्ट टाइम जहाँ से हम लोगों ने राफ्टिंग करी थी, तो वहाँ कॉल करके पता चला कि राफ्टिंग अभी बंद है क्योंकि बारिश की वजह से। तो अभी बस सिर्फ होटल बचा है हमारा, तो अभी हम सीधा जा रहे हैं पहले होटल में, क्योंकि सुबह से चले हैं तो हम लोग को रेस्ट भी करना है। हमको क्या स्पेशली यूवी को रेस्ट करना है, तो ये बहुत देर से जो है ड्राइव कर रहे हैं। तो फिर मिलते हैं हम आपको होटल में आधे घंटे में चिप्स के साथ दाल के। क्या खा रहे हैं? तो हम लोग पहुंच गए अपने होटल में, मतलब और 10-15 मिनट हम लोग को लगेगा। उससे पहले हमने कहीं पे देखा था बहुत सारे भुट्टो की छोटी सी शॉप थी, तो वहां से हमने क्या ले लिया, उसके साथ आधा नींबू भी ले लिया क्योंकि हमारा खाने का जी कर रहा था। तो भाई अपने होटल भी पहुंच गए, होटल नटराज। इट इज वेरी यू गेट अंग्रेजी बोतल तो अच्छा है, शायद मैं पैर भी छू।
तेरे पैर ही, तेरे ही पैर छुए और किसी को छुए नहीं। हॉस्पिटल में जाओ ले, पीछे तो एक और बोली होती है। हम लोग आ गए हैं होटल में, ये ऋषिकेश में एंटर करते ही है होटल। सो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बाकी अभी मैं अंदर गई नहीं हूँ। मैंने सोचा एक बार आप लोगों को बाहर से दिखा दिया जाए कि होटल कैसा है। ये हमारी गाड़ी, सामान अभी निकलेगा और ये भी गए अंदर रिसेप्शन पे। और दीदी मिनर भी अंदर बैठे हुए हैं। तो यहाँ से है एंट्री, तो वो रही दीदी। और ये है लॉबी, और ये रहा ध्यान, ये रहा गप्पू मामा का। ये है रिसेप्शन और ये है लॉबी, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है यहाँ का इंटीरियर। देखिए ओल्ड काइंड ऑफ, कहाँ पर रोशनी अब बुड्ढा खा के आयो। हाय से हाय, हाय बाय बाय, ओके बाय 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 बाय। तो फॉर्मेलिटीज की वो हो गई है और यहाँ से भी लिया जा रहा है सामान। ये एली, हाँ ठीक है। बाय बाय, जा रहे हैं अपने रूम पे। और देखो हम कितने सारे जने हो गए, जीना नहीं है, जीना नहीं है। चलो चलो जी, अरे आ जाएंगे, भाई को लेकर आते हैं। नहीं मैं जीने से आ जाऊंगी। तो हम आ गए हैं लिफ्ट में। भाई ध्यान कर, जाने का दो चार डिब्बों में मेरा चिकन और मेरे बीन्स और चिकन, वो क्या है, हाँ बस यही है। चिकन बीन्स और राइस, तो ये है रूम। अली लाइट्स ऑन कर, इसमें सो रहेंगे। हाँ लाइट्स ऑन कर, वो पीछे वाला भी है। हाँ और ध्यान में तो बैठ गए, तो खोलेंगे भी जरा कर्टन। कर्टन खोल दे भाई। तो मैंने क्या है कि स्पेशली मैंने देखा था कि इस होटल में जिम भी है, स्विमिंग पूल भी है। हाँ। पहले जिम करेंगे फिर स्विमिंग पूल में नहाएंगे। हाँ। पहले नहाएंगे स्विमिंग पूल में, फिर जिम जाएंगे, फिर नहाएंगे। ऋषिकेश में रास्ते तो बंद है। हाँ, हमें तो पानी के मजे चाहिए, पानी के मजे देखो रहेंगे। और ये देखो हमें ध्यान का दूध वगैरह गर्म करने के लिए अपनी पूरी तैयारी से, हमारी एक एक चीज हमारे साथ है, यूवी की वेट मशीन। अबे मैं ये क्या उठाए फिर रहा हूँ, मेरा वो डाइट कहाँ है? आपकी डाइट भूमि देव वाली, वो दूसरी वाली पॉली में है। मैं ये क्या उठाए फिर रहा हूँ ये, और ये देखो वाइट पर्दे अलग कर, नहीं नहीं अली वाइट पर्दे बीच में कर, इसमें किसी का कोई नहीं दफा वो बनी है कोई आधा एक कॉफी मम्मी हाथ में है, वाइट वाला दिखा पानी व्यू वाओ। चलाओ चलाओ ऐसे चलाओ, वरना चली भाई मेरी आई नहीं चलानी, कार लगाओ ना कार लगाओ। अगले अरे सारे मरियो, अगले मत जाइयो तो फिर सब बड़े पड़े रहो एक में, गाइस बड़ी गंदे आदत से पड़े रहो तुम। और भाई गला कौन सा सोएगा, मैं भूमि और मिनी रहूंगा रहा है, तू सोएगा वाले क्योंकि वहां से अली भूमि ऑन कर सारे अली वहां वाला भी। तो ये है वॉशरूम, नॉट बैड,
तो ये वॉशरूम है और ये ध्यानु है और ये भी शुरू हो रहे हैं अपनी डाइट के लिए क्योंकि बहुत देर हो गई है, देर नहीं घंटे हो गए हैं, वेट कर रहे हैं। तो ये भी जो है खाना वेट करके खाएंगे। इसमें राइस है, इसमें यूवी का चिकन है और इसमें सैलेड और बीन्स। कुछ नहीं करेगा वो। गिर गए हम तो, फिर से गिर गए बेड पे। बूम एली आ गया, ये हम तो फिर से गिर गए। ध्यान बहुत सारा खुश है, ध्यान हमेशा आते सबसे पहले बेड को ही घेरता है और आज भी इसने यही करा, सबसे पहले बेड इसने घेरा। तो यूवी खा रहे अपनी डाइट क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गया है और हम लोग रूम पे आ गए हैं। मैं आपको दूसरा रूम भी दिखाती हूँ, सेम ही है, मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ। बाकी अब मैं आपको दिखाती हूँ सेकंड रूम जो है, तो सेकंड रूम जो है वो ये है, सेम वॉशरूम। हाँ तो सेम रूम है। अभी शुरू कर दिए डाइट और हम लोग को अब हम करेंगे ऑर्डर अपने खाने के लिए। तो मेन्यू देख रहे हैं क्योंकि अभी 2:20 तो हो ही गया है, हमारे पास आधे घंटे का वक्त है, हमें ऑर्डर करना है जो भी हमें खाना है। मसाला डोसा खा लेना, डोसा बहुत बढ़िया चीज होती है। ठीक है, डाइजेस्ट भी जल्दी हो जाएगा। पहले डोसा खा के देख लो, डोसा बढ़िया आता है तो मतलब ये है यहाँ और भी खाना बढ़िया मिलेगा। ठीक है, मसाला डोसा 440 पे है। नोक नोक ध्यान है अली के साथ मस्ती कर रहा है। ये देखो ध्यान जान को गुस्सा आ रहा है और सब लोग आ गए हैं कि रूम में और डिसाइड करा जा रहा है कि हम लोग क्या खाएंगे क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खा रखा है और अब तो खाना पड़ेगा। और सामने देखो बिल्कुल सफेद हो रखा है, अब दिखेगा व्यू आपको। वाह, पर नॉनवेज नहीं है, फ्राइड राइस नॉनवेज नहीं है। आइए अपने लिए घर के दूध की एक टी। अरे भगवान, वेज होटल मोड़ी हो। हमारे साथ जो है एक प्रॉब्लम हो गई है, वो ये प्रॉब्लम है कि ये जो है वेजिटेरियन होटल है तो यहाँ पे जो भी खाना है शाकाहारी है और मैं सोच रही थी चलो चिकन ऑर्डर करती हूँ, राइस हम लेकर आए थे तो मैं उसके साथ खा लूँगी, खाऊंगा क्यों राइस ऑर्डर करने। तो पता चला तो यहाँ पे तो है ही नहीं नॉनवेज, कोई नहीं चलो, पर हमने मतलब पनीर वनीर तंदूरी नान या लच्छा पराठा वगैरह ये सारी चीज़ें एक आध चीज़ ऑर्डर करी है तो हम लोग सब मिलकर उसमें ही खा लेंगे। और साथ ही में ऑर्डर है वो भी आ गया है। जो है सो रहे हैं। अच्छा आ जाओ, ये हमारा प्लान अभी ये है फिलहाल। इस वीडियो को तो मैं यहीं पे एंड करूंगी और फिर मैं हम लोग खाना खा करके थोड़ा रेस्ट करेंगे और मैं वीडियो को जो है एडिट करूंगी ताकि आप लोग देख सके शाम को। और उसके बाद अभी हमारा शाम का फिलहाल प्लान ये है कि हम लोग होटल में ही इंजॉय करेंगे और पूल साइड जाएंगे, उसके बाद देखते हैं रात को ऋषिकेश थोड़ा घूमेंगे। तो अभी फिलहाल तो यही है। ये वाला व्लॉग आप लोग को कैसा लगा, हमारा घर से ले तक घर से
लेकर के यहाँ तक का सफर, तो जरूर प्लीज कमेंट्स करके बताइएगा आप लोग को क्या चीज अच्छी लगी, और बाकी हमसे जितना मुझसे जितना पॉसिबल होगा उतनी चीज में अच्छी अच्छी जो है वीडियो रिकॉर्ड करूंगी और आप लोग को व्लॉग में दिखाने की कोशिश करूंगी। तो टूर जो हमारा ये बहुत छोटा सा ही हमने बनाया है, क्योंकि एक या दो दिन का, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि क्यों नहीं बनाया वो रीजन मैं आपको वहां चल के बताऊंगी कि क्या रीजन था। तो बस मैं वीडियो करूंगी यहीं पे एंड, और फिर आप लोग जरूर बताइएगा, बाकी मुझे इंस्टाग्राम पे जाकर के फॉलो कीजिएगा, और हमारी वीडियो को क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट्स। सो मुझे आपसे यही उम्मीद है कि आप लोग लाइक शेयर कमेंट्स करेंगे, और बस, और फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।